हेलो न्यू इंडियंस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यू इंडिया के न्यूज चैनल्स में अब एडिटर इन चीफ की जगह एडिटर इन थीफ रखे जाते हैं। जी समूह के संपादक सुधीर चौधरी और समीर आहलूवालिया साल 2012 में 100 करोड़ की उगाही करते कैमरे पर पकड़े गए थे। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। जी न्यूज छोड़ के अब सुधीर आज तक के एडिटर इन थीफ बन चुके हैं और इनका प्रोपेगेंडा एंकर वाला करियर इतना सक्सेसफुल चल रहा है कि बीजेपी इलेक्शन जीतती है तो उसके यूनियन मिनिस्टर्स आके सुधीर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सुधीर जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। मैं बधाई देता हूँ जी न्यूज को, आपने 5 वर्षों तक लगातार सच देश के सामने रखा है। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। एक्चुअली ग्रेटफुल होना बनता भी है, क्योंकि सुधीर ने मोदी के लिए क्या क्या नहीं किया। एलेक्सा से इलेक्शन कैंपेन करवा दी और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। न्यूज के नाम पे टाइप्स ऑफ जिहाद प्राइम टाइम पर चलाया और JNU में पाकिस्तान जिंदाबाद का नकली नारा लगवाया। 2000 के नोट पे नैनो GPS चिप ढूंढ ली, मोदी से यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दी और बीजेपी के दिल्ली हारने पर वोटर्स को गाली तक दे दी। दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। यानी दिल्ली की जनता ने ये बता दिया है कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, उन्हें बाकी के देश से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का ऑफिशियल प्रोपेगेंडा विंग बनने के बाद गोदी मीडिया को ये याद रखना चाहिए कि उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में अब किसी भी टाइप का सवाल पूछना पाप है। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर आप दिया जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? क्या हुआ जब आप जेल में थे? वैसे होना तो सुधीर को आज भी जेल में ही चाहिए था अपनी नाजी प्रोपेगेंडा टाइप न्यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली जब मुस्लिम मेजोरिटी मेवात में हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेज हुए तो तिहाड़ी मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट ये थ्योरी लाया। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के 633 जिलों में से 11 जिले ऐसे थे जहां 90% से ज्यादा मुसलमान रहते थे और 31 जिले ऐसे थे जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। आज इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा तनाव है। पर इसका नफरती प्रोपेगेंडा भी इतना झूठा था कि अगले ही दिन इसने ये थ्योरी भी चेंज कर दी और अब मुस्लिम मेजॉरिटी की जगह मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज को प्रॉब्लम बता दिया कि असल में सांप्रदायिक दंगे देश के उन जिलों में ज्यादा होते हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% या उससे भी कम है, लेकिन जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है वहां सांप्रदायिक दंगे ना के बराबर होते हैं। तो इधर सुधीर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा रहा है कि जिन एरियाज में हिंदू मेजॉरिटी में है वही राइट्स होते हैं। ये एक दिलचस्प इक्वेशन है, पर ऐसा बोलना तो एंटी मुस्लिम की जगह एंटी हिंदू नैरेटिव फैलाएगा, इसलिए इस रियलिटी को भी तिहाड़ी ने ट्विस्ट करके मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट बना दिया। लेकिन जहां मुसलमान बहुसंख्यक है वहां दंगे नहीं होते, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग फिर ऐसे जिलों और इलाकों में अल्पसंख्यक होते हुए संघर्ष ही नहीं करते। हमारे एडिटर इन थीफ सुधीर ने ये दो अपोजिंग मुस्लिम पॉपुलेशन थ्योरीज दे के ये साफ कर दिया कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में गलती हमेशा मुस्लिम की ही बताई जाए और RSS, BJP, VHP, बजरंग दल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट दिखता है उन पर कोई सवाल नहीं उठेगा, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा। जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे और रेंगते रेंगते वो इतना गिर गए कि बीजेपी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत न्यूज के नाम पर कम्युनल एजेंडा फैलाते रहे ताकि हिंदू मेजॉरिटी वोटर्स बीजेपी के काम पे नहीं बल्कि डर और नफरत के बेसिस पे उनको वोट करते रहे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर वोटिंग धर्म के नाम पर हुई तो इससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। उन्होंने क्या किया, समाज को दो हिस्सों में बांटा, 80% और 20% पे। पूरी रणनीति इस तरह की बनाई कि मुस्लिम वोटर अलग थलग हो जाए और 20% को जाने दिया जाए लेकिन 80% हमारी तरफ आ जाए। आपको यह खेल समझना होगा जिसमें मोहरा आप बनाए जा रहे हैं, चाल कोई और चल रहा है, सबका मालिक एक है। अच्छा डायलॉग है। डायलॉग नहीं है साहब, बिल्कुल डायलॉग नहीं है। मैं अभी अभी यहाँ पर एकत्रित पत्रकारों से कह रही थी कि अपने फॉर्मर बॉस को मैं अपने वर्तमान बॉस की जीत का विश्लेषण करने और उनका अभिनंदन करने आई हूँ।